नोएडा स्टेडियम चौराहे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका, दमकल ने आग पर काबू पाया। जयपुर में मटर की फसल में लगी आग, पूरी मटर की फसल जलकर खाक हो गई, खेत मालिक का रो रोकर बुरा हाल। प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, हाईवे चालक समेत दो लोगों की मौत, सड़क पर बने गेट रोड को क्रॉस करके टकराया था। शाहजहांपुर में मासूम की तंत्र मंत्र के चक्कर में बेरहमी से हत्या, लापता बच्चे का शव मिलने से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में बीपी गंगा की खबर पर पुलिस ने लगाई मुहर, रूबी की मौत के खुलासे में सामने आई ओन अकेले, इज्जत के खातिर युवती के भाई, पिता और चाचा ने हत्या की। हापुड़ में रेप के बाद पीड़िता को धमकी देने वाला गिरफ्तार, वीडियो को वायरल करने की धमकी की शिकायत पर गिरफ्तारी, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को सलाखी के पीछे भेजा। महोबा के कबराई में पहाड़ की तलहटी पर पड़ा मिला युवक का शव, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बेटा बना हैवान, बुजुर्ग पिता को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद जंगल में फेंका शव, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। औरैया में डबल मर्डर केस में दोनों पक्षों की तरफ से 19 लोग नामजद, भीखापुर गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौजूद। हरदोई में बाइक सवार युवक युवती के रोमांस का वीडियो सामने आया, युवती को बाइक पर आगे बैठाकर रोमांस किया, हरदोई सीतापुर रोड का बताया जा रहा वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में दलित पीड़िता के पर दबंगों के घर पर दबंगों का बरपा है, दलित के घर पर चढ़ाई कर दबंग हिस्ट्री शीटर ने मारपीट की, मारपीट में पीड़िता की मां के चेहरे पर चोटियां, आरोपियों ने पीड़ित के घर आगजनी भी की। जफराबाद थाना क्षेत्र के शेखवाड़ा का ये पूरा मामला, पीड़ित परिजन सपा नेता पर लगा रहे पिटाई का आरोप। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, गुलदार ने दो लोगों को बनाया था अपना शिकार, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, नगीना कीरतपुर के जंगल का मामला। मिर्जापुर में पति और सास के साथ माता विंध्यवंशिनी का दर्शन करने आई नवविवाहिता प्रेमी के साथ फरार, बेबस पति ने पुलिस से गुहार लगाई। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में शिवाजी की जयंती मनाने को लेकर वार्डन छात्रों में विवाद, बिना परमिशन के ही हॉस्टल में जयंती मना रहे थे छात्र, हॉस्टल वार्डन ने छात्रों को जयंती मनाने से रोका। बहराइच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए। कासगंज में डीजी जेल के आदेश पर अब्बास अंसारी की निगरानी के लिए कासगंज जेल को मिले 5 बॉडी वॉर्न और 1 ड्रोन कैमरा, जेलकर्मियों को एक्सपर्ट टीम ने ट्रेनिंग। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, साथ ही मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट में दोनों के तरफ से सफाई साक्ष्य पेश किए गए। गाजियाबाद के बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगदर में 4 नकाबपोश बदमाशों की लूट की कोशिश हुई नाकाम, ज्वेलरी शॉप में घुसकर ज्वेलर को गन पॉइंट पर लिया, आशो मचाने पर भाग निकले। बाराबंकी में संपत्ति के लालच में एक अधेड़ व्यक्ति की निर्मम हत्या, मृतक घर पर रहता था अकेला, सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। लखनऊ के एसआर ग्लोबल केस मामले पर डीसीपी नॉर्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, प्रिया राठौर की स्कूल परिसर में हुई संदिग्ध मौत पर जारी विवेचना के बीच पुलिस ने कहा हत्या को लेकर अभी तक किसी के खिलाफ नहीं मिले पुख्ता सबूत। आगरा पुलिस ने चोरी की 12 वारदातों का खुलासा किया, 2 सुनार, 6 शातिर गिरफ्तार, 86,000 कैश, करोड़ों के गहने बरामद। कुशीनगर में मोबाइल दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और लैपटॉप के साथ गले में रखा कैश ले उड़े। अमरोहा पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी गोली से हुआ घायल, मुठभेड़ के दौरान सिपाही को भी लगी गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती। आगरा रेल मंडल कार्यालय में सीबीआई का छापा, रिश्वत मांगने के आरोप पर सीबीआई ने छापा मारा, सीबीआई ने एसएससी विजय कुमार को 4,00,000 से ज्यादा रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। गोंडा में हाई स्कूल की छात्रा ने बोर्ड परीक्षा को लेकर लगाए गंभीर आरोप, कहा कॉपी से दूसरे छात्रों को कराई जाती है नकल, वजीरगंज के शैल उदय इंटर कॉलेज का मामला।
गाजीपुर में जल निगम विभाग पर बिजली चोरी का आरोप लगा। सीवर पाइप लाइन बिछाने के लिए जगह जगह की जा रही थी बोरिंग। बोरिंग मशीन चलाने के लिए चोरी की बिजली के इस्तेमाल का आरोप लगा। गोरखपुर में एडीजी अखिल कुमार की मुहिम रंग ला रही है। युवक की पिटाई करते दबंगों के सीसीटीवी फुटेज के बाद एडीजी ने सीसीटीवी लगवाने वाले को सम्मानित किया। मेरठ एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील से 5,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत के बाद आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की। किसान से लेखपाल ने 5,000 रुपए लिए। बाराबंकी में संपत्ति के लालच में अधेड़ व्यक्ति की निर्मम हत्या। मृतक घर पर रहता था अकेला। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में हत्या। चढ़े 4 मुन्ना भाई, दूसरे के स्थान पर दे रहे थे परीक्षा। सभी 326 केंद्र पर कड़ी निगरानी। गाजीपुर में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 2,00,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए थे। जालौन में लोकेशन गैंग के सदस्य और खनन माफिया मकसूद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओवरलोडेड ट्रक के नंबर प्लेट बदलकर सीमा पार कराता था शातिर माफिया ने अब तक राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया। ललितपुर में भाजपा नेता के वायरल वीडियो से खुला करोड़ों के घोटाले का राज। सैदपुर कृषि पंप में भ्रष्टाचार का खुलासा। सरकारी ट्रैक्टर से किया जा रहा था डीजल चोरी। कानपुर में महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दोनों महिलाओं ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। एक ही मंच में गांव के रहने वाले दोनों महिला। उन्नाव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। ग्राम प्रधान के साथ 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में दर्ज कराई शिकायत। प्रदर्शन किया। उन्नाव में घर में अकेली सो रही महिला की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर में नकल माफिया पर कसा शिकंजा। स्वाट टीम और पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से 5 महिलाएं भी शामिल। उत्तराखंड में कई जगह बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जगहों पर हुई बारिश। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से लुढ़का तापमान। उत्तराखंड सरकार ने 14 ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए। 7 आईएएस, 6 पीसीएस, 1 वित्त अधिकारी को इधर से उधर किया गया। बुलंदशहर में भूमाफिया से परेशान एक युवक ने परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी दी। बीबी नगर के लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। पैतृक भूमि से भूमाफिया को हटवाने की गुहार लगाई। हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक ने किया आत्महत्या की कोशिश। धारदार चीज से गले पर किया हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास जासूसी के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार। पूछताछ में भारत के खिलाफ साजिश की बताई जा रही है साजिश। और 3 दिन तक भारत में रहकर दिल्ली समेत कई जगह घूमा। बलिया में बोर्ड की 12वीं परीक्षा के दौरान 11 मुन्ना भाई गिरफ्तार। स्कूल के 2 प्रबंधकों पर केस दर्ज। अमरोहा में गौकृषि के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़े गए 25,000 का इनामी बदमाश। गोली लगने से घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में नव नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने निकाला पैदल मार्च। ज्वाइन करते ही शांति व्यवस्था के मद्देनजर देखी व्यवस्था। उन्नाव में दलित परिवार पर दबंगों ने बरपाया कहर। घर में घुसकर परिवार के लोगों को पीटा। पुलिस पर कार्रवाई न करने को लेकर हंगामा हुआ। प्रयागराज में स्वरा भास्कर सपा नेता फहद अहमद की शादी पर बोले अनुमानगढ़ के मंत। राजू दास ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं स्वरा। प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर बोले महंत राजू दास। बागेश्वर धाम और सनातन संस्कृति का विरोध करें या ये नहीं चलेगा। गलत काम करने पर ही करें विरोध। बलिया में बोले सपा महासचिव शिवपाल यादव। अफजाल पर कहा अल्पसंख्यकों पर ज्यादती कर रही है सरकार। अफजाल अब्बास समेत सभी के लिए सपा के लिए दरवाजे खुले। आगरा में शाहजहां गार्डन का नाम बदलने पर चर्चा पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफाई दी। शाहजहां गार्डन का नहीं सिर्फ जोनल पार्क का नाम गीता गोविंद वाटिका रखने का निर्देश।
अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को मिला रामकथा संग्रहालय, मंदिर निर्माण समिति के पत्र पर शासन ने सहमति दी। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, सीएचसी में भर्ती कराया गया। नजीबाबाद कोतवाली मार्ग पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में बारातियों से भरी बस में भीषण आग लग गई, बस के शीशे तोड़कर बारातियों ने अपनी जान बचाई, दमकल की गाड़ियों ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, देवर भाभी समेत दो लोगों की मौत, इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे देवर भाभी को ट्रक ने रौंदा, नेशनल हाईवे 703 की घटना। बागेश्वर में कांग्रेस ने भोका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला, कांग्रेस में गणेश जोशी पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया, कहा बेरोजगार युवा को लाठी मारकर नसीहत देने बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। रामनगर में गणेश जोशी के बयान का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग उठाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। हरिद्वार में पटवारी परीक्षा लीक मामले में एसआईटी अब तक 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, एसआईटी पूरी मामले में 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इस बार का बजट अमृतकाल का पहला अहम बजट है, समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, इस बजट से अंतिम छोर पर बैठे आम व्यक्ति को राहत मिलेगी। उत्तराखंड में आ सकता है तुर्की जैसा भूकंप, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने वैज्ञानिक का बड़ा दावा, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के डायरेक्टर हैं कालाचंद साई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया, त्रिवेंद्र रावत ने कहा युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, पुलिस बताए किसके कहने पर लाठीचार्ज किया। दो डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा दून अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, हर रोज अल्ट्रासाउंड कराने आने हजारों लोग लौट रहे मायूस, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए 15 से 20 दिन का दे रहे समय। हरिद्वार में 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस मुकदमे महकमे में मचा हड़कंप, 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज। कर्णप्रयाग के उपजिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को फटकार लगाई, गौचर कर्णप्रयाग में बीच चट्टान गिरने से एक शख्स की मौत हुई थी, उपजिलाधिकारी ने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में आत्महत्या करने के लिए युवक चौथी मंजिल पर चढ़ा, युवक पुलिस ने लोगों की मदद से युवक को नीचे उतारा। उत्तरकाशी में लौसर मेले का आयोजन, 3 दिन तक चलेगा लौसर मेला, पहले दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है मेला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।